नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं Vivo का लॉन्च हुआ Vivo X 200 Pro। ये दोस्तों बहुत ही बेहतर स्मार्टफोन है क्योंकि दोस्तों ये प्योरली कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको मिलता है बहुत बेहतर कैमरा और साथ ही साथ बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन आपको मिलता है। डायमेंसिटी 9400 का चिपसेट मिलता है, 6000 एमएएच बैटरी मिलती है, 90 वाट का चार्जिंग मिलता है, 6.78 इंच का LTPO डिस्प्ले आपको मिलता है और दोस्तों 200 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और ये सब दोस्तों आपको मिलने वाला है मात्र 70,000 के अंदर। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना जिससे नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये Vivo का एक पहला स्मार्टफोन होने वाला है जो कि दोस्तों MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट के साथ लॉन्च करा गया है, जो कि दोस्तों चाइना में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में लॉन्च होने वाला है दोस्तों, जिसका रिव्यू हम लेके आए हैं दोस्तों सिर्फ आपके लिए। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अनबॉक्सिंग करते तो हमें एक टीपीयू केस मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, सिम इजेक्टर टूल हमें मिलता है, 90 वॉट का फ्लैश चार्जर आपको मिलता है और यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी का चार्जिंग केबल हमें मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग प्रोवाइड करता है। बैक में दोस्तों बहुत बड़ा कैमरा का क्राउन हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत बड़ा है। हैंड फील बहुत बेहतर कराता है दोस्तों। राइट में हमें मिलता है वॉल्यूम रॉकर, लॉक अनलॉक बटन हमें मिलता है, टॉप में हमें माइक्रोफोन हमें मिलता है, बॉटम में हमें सिम ट्रे मिलता है, यूएसबी सी टाइप का पोर्ट मिलता है, माइक्रोफोन मिलता है और स्पीकर ग्रिल हमें मिलता है। और दोस्तों फ्रेम को फ्लैट रखा गया है, डिस्प्ले को भी फ्लैट रखा गया है दोस्तों, ये दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके डिस्प्ले की अगर हम बात करें 6.78 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले आपको मिलता है जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 4500 nits की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। और तो और दोस्तों बहुत बड़ी बात, डायनामिक रिफ्रेश रेट आपको देखने मिलता है जो कि दोस्तों 1 से 120 नहीं होता, 0.1 से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चला जाता है जो आपके लिए बहुत बेहतर है। और दोस्तों बहुत ही बेहतर माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है जो कि दोस्तों बहुत ही थिन जो है कर्व आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये आपको फ्लैट ही समझ आएगा। तो इसके बेजल इतने पतले रखे गए हैं, इतना स्लिम रखा गया है कि आपको बहुत बेहतर एक्सपीरियंस कराता है। प्रोसेसर की बात करें दोस्तों तो बहुत ही बेहतर नया लॉन्च हुआ MediaTek Dimensity 9400 का चिपसेट मिलता है जो कि 3 नैनोमीटर चिपसेट बेस्ड है, जिसका अंतत स्कोर दोस्तों 2.6 मिलियन से भी ज्यादा आपको देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों 12GB और 16GB वेरियंट आता है जो LPDDR5X में वर्क करता है, जिसका स्टोरेज दोस्तों 256GB और 512GB स्टोरेज आता है जो कि दोस्तों UFS 4.0 में वर्क करता है। और तो और दोस्तों इसमें हाईएस्ट सेटिंग में आप BGMI खेल पाएंगे, लैग फ्री एक्सपीरियंस कराएगा और दोस्तों अल्ट्रा HD BGMI खेल पाएंगे 120 FPS में। और साथ ही साथ दोस्तों अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फेस लॉक अनलॉक आपको मिलता है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपके हाथ गंदे भी हैं, गीले भी हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, तो आप जो है आपका फिंगरप्रिंट सेंसर वक्त जरूर करेगा। इसकी बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 90 वॉट का वायर चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलता है, 30 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। अब इसके कैमरे की बात करें दोस्तों ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, जिसका मेन कैमरा दोस्तों 50 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि LYT818 कैमरा मिलता है OIS के साथ, और दूसरा कैमरा दोस्तों 50 मेगापिक्सल का GN1 कैमरा मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और दोस्तों तीसरा कैमरा इसका बहुत ही शानदार कैमरा है जो कि दोस्तों 200 मेगापिक्सल का HP9 कैमरा है जो कि 3.7x पेरिस्कोप ज़ूम प्रोवाइड करता है। इस कैमरे से दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्लिक आती है, करीबन आप 4K से 8K तक आप रिकॉर्ड कर पाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों एक बहुत बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है और साथ ही साथ दोस्तों फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और दोस्तों कैमरा स्पेसिफिकेशन में जाएं तो 135mm में आप जो है पोर्ट्रेट निकाल पाएंगे और तो और दोस्तों 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30, 60, 120 FPS में, साथ ही साथ आप 8K क्वालिटी तक जा सकते हैं और दोस्तों बहुत ही नया डॉल्बी विजन का भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और तो और दोस्तों फोटो और वीडियोस के लिए इसमें डेडिकेटेड V3 प्लस का चिपसेट आपको मिलता है, जिसकी वजह से दोस्तों आप 4K वीडियो को पोर्ट्रेट में भी शूट कर पाएंगे, बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। ये फोन दोस्तों उन लोग के लिए है जो कि दोस्तों इन्फ्लुएंसर है, वीडियो क्रिएटर है या कोई ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ और अदर वर्क करते हैं, उनके लिए दोस्तों जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। साथ ही साथ इसमें IP69 सर्टिफिकेशन मिलता है, अंडर वाटर आप डाल सकते हैं दोस्तों, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G बैंड आपको मिलता है, डुअल 4G वोल्टी आपको मिलता है, वाईफाई 7 आपको मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 आपको मिलता है, साथ साथ NFC सपोर्ट भी आपको मिलता है। और दोस्तों बहुत ही अमेजिंग कैमरा फोन होने वाला है ये दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको 65 से 70 हजार के प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलना जिससे नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच।